सिरसा के गांव चौटाला के साहब राम स्टेडियम में आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी स्नेहलता की रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ सहित अनेक राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल व विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने वहां पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काफी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने चौटाला गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। काफी संख्या में महिलाओं ने भी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व चौटाला परिवार के नजदीकी प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि परिवार को एकजुट रखने व परिवार के समस्याओं को हल करने में स्नेहलता का की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा का परिवार में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वे चौटाला परिवार के साथ है। उन्होंने साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को नसीहत दे डाली कि फिर से परिवार को एकजुट कर लो। उन्होंने कहा कि अगर परिवार एक होता है तो यही माताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर कदे किसी को इन्हां उतार चढ़ावों से मन से नहीं असर पाना चाहिए। इसलिए मेरी बेनती है कि बाहें जिन्हां की पकड़िए सिर दीजिए बाहें न छोड़िए। अज भी चौधरी साहब नाल, डाला साहब नाल जो बंदे खड़े हैं, परिवार खड़े हैं, वो इन्हों की वीडी तो वीडी कुर्बानी वास्ते इन्होंने कर सकते। पता नहीं ये गल मैं इतने आखनी चाहिए है कि नहीं, लेकिन मैं एक बेनती करता कि 100 सरकार थोड़े कदम चुमनगियां। चौधरी साहब जी सारे कट्ठे कर हथ बन के मेरी बेनती है कि इन गलों से है कोई बन गया ना बन गया, पर अज चौधरी देवी लाल जी को ते माता जी को वड्डी श्रद्धांजलि यही होगी। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का, इतनी दूर से चल के यहाँ तक पहुंचने में जो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई, उस सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला सरदार प्रकाश सिंह बादल आज आपके बीच में रहते। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहूंगा इस दुख की घड़ी में। आप हमारे परिवार का दुख बांटने के लिए दूर दराज से चल करके आए, आपका बहुत आभारी है। इससे मुसीबत के दिन काटने में हमें बहुत सुविधा मिलेगी। आपसे केवल एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप सभी लोग भोजन करके जाएं, सभी साथी भोजन करके जाएंगे, इससे हम सबको बहुत संतुष्टि होगी। आप सब आए, आप हमारे दुख दर्द के हमेशा साथी रहे हैं, भविष्य में साथी रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद, विश्वास और भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।